प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में प्रार्थना के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। अब सुरभि पुस्तक के प्रथम पाठ के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। उसको ध्यान से सुने और समझें। अस्य पाठस्य शीर्षकस्य नाम अस्ति पुरः पुरः प्रगच्छरे। जो चैट के माध्यम से देख सकते हैं, सबसे पहले इसका सस्वर वाचन करना है। मेरे उच्चारण को सुनकर बार बार उच्चारण का अभ्यास करें। पुरह पुरह प्रगच्छरे प्रगाय मातृवंदनम स्व जन्म भूमि रक्षणे प्रयच्छ वीर जीवनम शिरः कुरु समुन्नतम तवास्तु मा क्वचित भयम पुरह पुरह प्रगच्छरे प्रगाय मातृवंदनम। पुरह पुरह प्रगच्छरे प्रगाय मातृवंदनम स्व जन्म भूमि रक्षणे प्रयच्छ वीर जीवनम शिरः कुरु समुन्नतम तवास्तु मा क्वचित भयम पुरह पुरह प्रगच्छरे प्रगाय मातृवंदनम। यह प्रथम पाठ के कुछ पंक्तियों को यहाँ पर दर्शाया गया है। इस पंक्ति का अर्थ भी जाने। अर्थ है पुरह पुरह, जो आपको सामने चार्ट में दिया गया है, उस चार्ट में आप ध्यान पूर्वक पंक्तियों को देखेंगे और हमारी उच्चारण को सुन करके उस पर ध्यान देंगे कि उसका अर्थ क्या है, उसकी व्याख्या क्या है। पुरह पुरह आगे आगे, प्रगच्छरे प्रगच्छ होता है बढ़ते चलो, प्रगाय मातृवंदनम कैसे बढ़े, प्रगाय प्रगाय मतलब होता है गाओ, क्या गाओ, मातृवंदनम माता, माता किसको बोलते हैं, अपनी भूमि धरती माता, जहां हम जन्म लेते हैं उस धरती को हम जन्म भूमि बोलते हैं, उसकी मातृ भूमि ही बोलते हैं, उसकी वंदना करें मतलब उसका गुणगान करें। वह आगे की ओर हमेशा, विद्यार्थी इस संसार का भविष्य होता है, वो भविष्य को जब उज्जवल होगा जबकि वह आगे की ओर कोई कार्य में अग्रसर होगा, इसीलिए इसमें कहा गया है पूरा पूरा आगे की ओर प्रयच्छरे बढ़ते चलो और प्रगाय मातृवंदनम और वंदना गीत किसका गाओ, अपनी मातृभूमि का, अपनी मातृ भाषा का, सभी का गुणगान करें। आगे पंक्ति में है स्व जन्म भूमि रक्षणे, स्व मतलब होता है अपना, जन्म मतलब होता है जहां हम जन्म लेते हैं, ऐसी भूमि वह धरती माता, रक्षणे उसकी रक्षा में, प्रयच्छ वीर हे वीर, यहाँ के जितने भी विद्यार्थी हैं वह युवा हैं, वह एक वीर है, वह अपने धरती माता की रक्षा के लिए अपने कार्य क्षेत्र में एक वीर के समान कार्य करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि रक्षणे मतलब रक्षा में, किसकी रक्षा में, स्व जन्म भूमि, अपने जन्म जहाँ लिए हैं उस भूमि की रक्षा में, प्रयच्छ मतलब दो, क्या दो, जीवनम अपने जीवन को, सर्वस्व जीवन को न्योछावर कर दो, उसके लिए मर मिट जाओ, ऐसी भावना मन में हो। उसके अगले पंक्ति में है शिरह कुरु समुन्नतम, शिरह अब ऐसा कार्य करें अपने जीवन में कि हमेशा सिर को ऊंचा करके रखने में हम सहमत हो सके, हम सिर को ऊंचा करें, इसीलिए कहा समुन्नतम, सम मतलब सभी क्रियाओं में उन्नतम मतलब उन्नति को प्राप्त करे, जिससे कि हमारा सिर हमेशा हमेशा ऊंचा उठा रहे। अगर हम गलत कार्य करते हैं तो हमारा अपने आप सिर झुक जाता है, शर्मिंदगी महसूस करते हैं, और कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो हमारा सिर हमेशा ऊंचा की उठता है और सबके सामने हमारी यश और कीर्ति फैलती है और हम सबके सामने सही ढंग से अपने बात को कह पाते हैं, इसीलिए हमेशा हमें अच्छा कार्य को करना चाहिए। तवास्तु मा क्वचित भयम, तब मतलब होता है तुम्हारा, अस्तु मतलब हो, मा मतलब न, क्वचित भयम तुम्हारे अंदर, मा का अर्थ होता है न, क्वचित मतलब कुछ भी, भयम भय न हो। ये भय कब नहीं होगा, जब हम गलत कार्य को नहीं करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो हमारा कोई भी भय हमको सताएगा नहीं और भय हमारे सामने कुछ कर नहीं पाएगा। उसके आगे फिर
पहले शुरू का जो दो पंक्ति है उसी को दोहराया गया है, क्योंकि यह कविता है। कविता में पंक्ति को जोड़ने के लिए हर चार करी पे दो लाइन को दोहराया जाता है और उस बात को याद कराया जाता है कि जो भी काम हम करते हैं उसमें एक ही उद्देश्य होता है कि हम आगे की ओर बढ़े हर कार्य में। इसीलिए फिर पंक्ति आया है, पुरह पुरह प्रगच्छरे प्रगाय मातृ वंदनम। हर काम करो लेकिन आगे बढ़ते रहो अग्रसर, और किसकी वंदना करो, जहां हम जन्म लिए उस मातृभूमि की वंदना करते रहो। इस प्रकार करके हम इस अर्थ को बताए हैं। इस अर्थ को जो आप सुनेंगे उससे आप समझ लेंगे, इससे ज्यादा आवश्यकता होगी तो पेज नंबर आपको एक पीडीएफ भेजे हैं आपके ग्रुप पे, उस पे पीडीएफ में आपका पूरा किताब ही दिया गया है, उसके पृष्ठ संख्या 3 में दिया गया है अर्थ, उसे याद भी कर लें और उसको बार बार देखते रहें, जिससे कि आपको आपके अंदर स्मरण शक्ति बनी रहेगी उस अर्थ का और आप उसको अच्छी तरह समझ सकेंगे। और इसका सस्वर वाचन का भी बार बार आवृत्ति करेंगे और इस अर्थ को याद करेंगे। इस सुविधा के लिए पीडीएफ का भी आप सहायता ले सकते हैं। उसके बाद गृह कार्य के लिए आपको इसी का अर्थ याद करना है, और अर्थ याद करने के बाद जब यह पाठ लास्ट हो जाएगा, अंत हो जाएगा, तब उसका अभ्यास अपने CW कॉपी में बना करके रिकॉर्ड की तरीके आपको रखना है, जो कि हम बाद में चेक कर सकते हैं।